वेलकम टू गाइस, कैसे हो लोग? आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो गाइस आज के वीडियो में मैं खेलने जा रहा हूँ रियल क्रिकेट 24। गाइस चैनल पे नए हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज का मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और गाइस मैं खेलने वाला हूँ 5-5 ओवर का मैच। और भाई चैनल पर नए हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस अब भी भाई चलते हैं मैच की तरफ। और भाई और मैं यही आपको कहना चाहूँगा, भाई रिस्पॉन्स मेरे को दिखा दे करो भाई थोड़ा बहुत। और अगर आपको जरी सी भी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कर दे करो और सब्सक्राइब कर दे करो। राइट गाइज, अभी भाई अपना इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का भाई ये आ चुका है। भाई ग्राफिक्स भाई बहुत अच्छे दे रखे इस गेम के लिए 24 के। तो भाई हम करने वाले हैं 2020। तो गाइज अभी हर चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम रखने वाले हैं 5 ओवर का मैच। और भाई बाकी सब चीज़ तो भाई अपने मैच तो भाई अपने मुंबई मतलब इंडिया में ही होगा भाई, मुंबई में। तो गाइज अभी भाई सब कुछ सेट है, अभी मैं कुछ भी छेड़ूंगा नहीं कि विराट कोहली को लेकर आते हैं, रोहित शर्मा को तो हम जो पहले से सिलेक्ट है उसे ही सिलेक्ट करके गेम प्ले में चलते हैं। और राइट गाइज यहाँ पे अपना लोडिंग ले रहा है। और भाई ये रहा भाई वेलकम लिखा हुआ था। और ये देखो भाई ग्राफिक्स देख रहे भाई कितना अच्छा है। सूर्य कुमार यादव देखने पे लग भी रहा है कि हाँ भाई ये है वही रियल क्रिकेट 20 में, भाई बिल्कुल कुछ नहीं पता चलता। और चलो भाई टॉस हो रहा है, अभी देखते हैं भाई टॉस जीतना हमें किसी भी हालत में। भाई मैं तो भाई सोच रहा हूँ कि हेड लेना चाहिए। ओके गाइज अभी भाई बॉलिंग फर्स्ट लिए इन्हें, मतलब बॉलिंग कराएंगे, ये बॉलिंग का निर्णय लिया इन्हें। तो भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा रन मारने इस गेम में, क्योंकि हमारी अपोजिट टीम है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया को आता है बहुत ज़्यादा खेलना गेम, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ बेस्ट टीम यही है, फर्स्ट पे ये है सेकेंड पे हमें। तो गाइज हमारा मैच हो रहा है तो हमें किसी भी हालत में इस मैच को जीतना है। तो भाई यशवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को हम भेजते हैं, भाई आउट मत होना बस, क्योंकि बहुत तगड़ी फील्ड बैठाएंगे ये। ऑल राइट गाइज अभी भाई यशवाल और ऋतुराज गायकवाड़ हमारे आते हुए, और एम सी स्टैन का भतीजा एम सी बॉलिंग करा रहा है। कोई नहीं, हम भाई एक ओवर में कम से कम अगर हम 20 रन ले जाएंगे या 15 रन ले जाएंगे तो भाई बहुत अच्छा है। पर मेरे को रियल क्रिकेट 24 नहीं आता ज़्यादा, तो भाई देखते हैं क्या होगा। ओके गाइस पहली बॉल, और ये भाई बहुत अच्छा सिक्स पड़ चुका है मेरे से, भाई बहुत अच्छा है ये तो हमारे लिए ही। सिक्स पढ़ते रहेंगे ना भाई बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। भाई क्या मस्त सिक्स पड़ा है ये, देखना भी एक बार देखो आप। ये अंपायर भी कर रहा है धीरे 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 बहुत ज़्यादा, इसका मतलब यही होता है। भाई ये देखो भाई बहुत ज़्यादा बाउंस बॉल थी भाई ये, और बाउंस बॉल में मेरे बल्ले का बिल्कुल फुल अपोजिट लगा और भाई 90 मीटर का ये छक्का गया। लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे। ओके गाइज अभी भाई एक बॉल पर भाई 6 रन आ चुके अपने पास, और हमें ऐसे ही रन निकालना भाई। एक और वैसी सेम बॉल आ रही है, इसका फ़ायदा दोबारा उठाऊँगा मैं। यस एक और भाई 6, वेरी ब्यूटीफुल, मतलब इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ मैं, बहुत सुंदर सिक्स जाता हुआ बल्लेबाज के बल्ले से। भाई क्या ही सिक्स पड़ा भाई ये तो, भाई देखना चाहिए रिप्ले में दोबारा से। सेम बॉल थी, बस इस बार थोड़ी डायरेक्शन हल्की सी चेंज थी, कोई नहीं भाई सेम बॉल में भाई फुल अपोजिट। भाई इस बार भी 90 मीटर का पड़ा, फ्री हिट भाई दोबारा है मेरे पास। मुझे ऐसी अगर बॉल आएगी ना और फ्री हिट पड़ता रहेगा तो भाई अपने लिए सही है भाई, फ्री हिट चल रही है तब से। ओके गाइज ये एक और मैंने भाई मारा, कैच तो नहीं होगी ना भाई, कैच होगी पर हम तो रन लेंगे भाई, क्योंकि भाई ये फ्री हिट थी। भाई मैं एक बार को डर गया कि भाई कैच होगी, भाई देखो फ्री हिट से ही पता चल रहा भाई ये कैचर बैठे हुए हैं, कैच कर लेंगे तो मैं संभाल के खेलना होगा। यशवाल ने भाई 14 रन मार चुका है अकेले, वो भी 3 गेंदों में, बहुत अच्छा। भाई एक और वैसी गेंद आ रही है, इसमें भी शॉट उड़ाएंगे हम भाई, सर पे आके भाई हेलमेट पे आके लगी है भाई, फ्री हिट है भाई ये तो, फ्री हिट है भाई। यस फ्री हिट मिल चुके भाई, क्योंकि हमारे सर पे आके लगी थी, इसका बदला भी हमें लेना होगा किसी भी हालत में, बस फ्री हिट वेस्ट ना जाए, क्योंकि मेरे से ज़्यादा तो फ्री हिट वेस्ट चल जाती जैसे पिछली गेम गई, पर इस बार ना जाए भाई ये। अरे यार फुल डॉट बॉल चलेगी ये तो, फ्री हिट भाई मैं इस बार तो कैच ही नहीं कर पाया, पिछली बार तो 2 रन आ गए थे भाई। ये बंदा कह रहा बोलो बोलो, कोई नहीं बोल लो बोल लो, अभी तुम ही रहोगे देखना इतने रनों से हराऊंगा मैं तुम्हें आज। वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा उछल लेते ना तुम जीत के, तो गाइज वही है टाइम ये बदला लेने का, तो भाई बदला लेना हमें। और ये भाई एक और सिक्स, भाई सिक्स ही है ना, यस एक और सिक्स जाता हुआ भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, भाई बहुत अच्छे भाई ऐसे अगर पड़ेंगे ना तो भाई हमारा मैच तो भाई ये हरा ही नहीं सकते हमें भाई। एक ओवर में भाई मैंने इतने सिक्स मार दिए ना कि ये कभी मार ही नहीं पाएंगे, और मैं पहले तो इन्हें ऐसी बॉल ही नहीं दूंगा। एक और 90 मीटर का सिक्स पड़ा है भाई, 4 बॉल में ना 22 रन मार चुका हूँ मैं, मैंने 15-20 का करा था पर 22 पड़ चुका है, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ओके गाइज अभी भाई फिर से मैं वही
ये वाला थोड़ा डॉट बॉल चल गया। मैं सोच रहा था कि लक ना इधर चल जाए, आराम से दो रन आ जाएंगे, पर नहीं, कैच ही नहीं हो पाया। फ्री हिट मिल गई भाई बिना फालतू में, भाई हमारे लिए फायदा है यार ये तो, हमारे लिए। बॉलर तो कह रहे हैं बल्लेबाज आओ और मारो, तो कोई नहीं हम मारेंगे। ये एक और, ये क्या हुआ भाई? मैंने तो सोचा था फोर जाएगा या सिक्स जाएगा, पर ये तो डॉट ही चले गया। ये नहीं होना चाहिए था, पर कोई नहीं, हो चुका है। पर भाई हमें इस मैच को किसी भी हालत में जीतना, बस इतने रन मारने हैं। ये एक और सिक्स है ना, यस, एक और वंडरफुल सिक्स, मतलब वंडरफुल तो बहुत सुंदर सिक्स, बहुत ज़्यादा ऊंचाई की ओर जाते हुए। भाई बहुत तगड़ी टीम के खिलाफ हम खेलने, अगर ऐसी खेलेंगे ना भाई। पर इनकी बैटिंग अभी बाकी है भाई, इससे डर है भाई। 81 मीटर का सिक्स है ये वाला, पर कोई नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है, ये मान लिया अच्छा है। ओके गाइस, ओवर हो चुका है। नेक्स्ट ओवर में देखते हैं कौन से नैप, क्या नाम है पता नहीं, मैंने देखा नहीं। और ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके हैं भाई अपने स्ट्राइक पे, और यशवाल ने तो भाई 24 रन मार दिए भाई, 25-24। ओके गाइस, एक और सेम वैसी गेंद आ रही है, यस दिस इज सिक्स। भाई क्या फील्डिंग है, दो रन तो मैंने ले लिया, पर भाई ये सिक्स रुक गया भाई, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। इतना अच्छा भाई सिक्स पड़ा था भाई, एंड टाइम पे इस बंदे ने जंप मार के रोक लिया, पर कोई नहीं, ऐसी देता रहूंगा मैं, देखता हूँ कितने रोकेंगे। एक और सिक्स जाएगा ये तो, डॉट बॉल भाई, हो क्या रहा है मेरे को ये भी नहीं पता, पर कोई नहीं भाई। एक ओवर में हमने इतने अच्छे रन मारेंगे, दूसरे ओवर में भी हम कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा है हमारे लिए तो, पर कोई नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा। विकेट भाई, ये क्या हुआ, कीपर और बॉलर तो भाई अलग ही जश्न में भाई। ऋतुराज गायकवाड़ की विकेट भाई, ये खुशी तो होगी भाई, इतने तगड़े बैटर के ने विकेट ले ली भाई। बल्ला थोड़ा ऊपर घूमा था, इसी वजह से मैं आउट हो गया। ईशान किशन आते हुए, ईशान किशन वर्ल्ड कप में इनने बहुत अच्छा मार था, वैसे ही अगर इस बार भी मारेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे आता नहीं है ज़्यादा, नहीं तो भाई मैं इनकी वाट लगा देता। पर कोई नहीं, ये एक और भाई, यस दे भाई, कैच तो नहीं है ना, नहीं भाई, छः पड़ गया इस बार भी। फोर रन नहीं, चौका कैसे पड़ गया भाई, मैं देखूंगा चौका कैसे पड़ा है, एक सेकंड भाई, इसको देखना पड़ेगा मैं। ओके भाई ये पड़ा, ये देखो भाई, ये ठीक है भाई, पर चौका कैसे है भाई, ये भाई जूम करके देखो भाई, सिक्स है पर ये फोर बोल रहे हैं, पर कोई नहीं, क्योंकि सही पता हम जीतने वाले हैं, कोई नहीं, खौफ में है ये थोड़ा बहुत भाई, लीव कर लेता हूँ भाई। अच्छी मतलब बहुत ज़्यादा बाउंस बोलते हैं भाई, अगर मैं ऐसे छेड़ूंगा ना तो कैच आउट हो सकता हूँ। बहुत अच्छा लीव, ओके बहुत अच्छा, हमारे लिए अच्छा भाई, उनके लिए नहीं है ना। बाउंस बॉल मिल चुके हमें भाई, एक बाउंस बॉल आ चुकी है इनके खिलाफ, कोई नहीं, हमारे लिए बहुत अच्छा है। 36 रन पे एक विकेट जा चुकी है मेरे भाई, मेरे को संभल के खेलना होगा। यशवाल और ईशान किशन मारेंगे तो ही होगा कुछ भाई, यस बहुत अच्छा किनारा, और भाई एक रन आराम से मैंने ले लिया, और यशवाल को स्ट्राइक दे दिया, क्योंकि भाई यशवाल अच्छा फॉर्म में दिख रहा है आज। ओके भाई 24 तो उसने 9 बॉलों में मार दिया, तो भाई क्या है, हाफ सेंचुरी फुल सेंचुरी तो लगी जाएगी भाई। एक बार को मुझे लगा कि एच निकल जाता ना भाई, ये तो भाई बहुत तगड़ा हो जाता। कोई नहीं, ये ओवर भी ख़त्म हो चुका है, तीसरा ओवर है भाई। ये कैमन ग्रीन भाई बहुत अच्छा बॉलर है भाई, ये डॉट बॉल निकाल के रहेगा, देखना एक दो डॉट तो निकाल देगा ये। ओके भाई, अभी भाई मुझे डॉट नहीं निकलने देना भाई, अगर डॉट निकलेगा तो मुझे इसी का डर है भाई, डॉट निकलेगा ना बॉल तो बहुत ज़्यादा डर इसी का लग रहा है मेरे को। कैमन ग्रीन भाई बहुत अच्छा बॉलर है। ओके कोई नहीं, हमें अच्छे से खेलना है। ये वाली बॉल तो उसने गलत डाली है, इस पर मैं खेल सकता हूँ आराम से। कैच भाई, कैच होगी, कौन था स्ट्राइक पे मेरे को ये पता करना पड़ेगा। अच्छा भाई ईशान किशन की कैच आउट हुई भाई, यशवाल होता ना तो भाई मेरे को बहुत ज़्यादा रोना खेल रहा भाई। अच्छा ये देखो भाई, प्यारी सी कैच आई थी भाई, इसने कैच कर ली, कोई नहीं भाई, अभी हमारी बॉलिंग आती। सूर्य कुमार यादव भाई बैक शॉट के किंग है भाई, ये 360 डिग्री, जानते हो ना, नाम सुनते ही ऑस्ट्रेलिया खौफ हो जाती है भाई। क्या शॉट मार रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये, रियल में ये एक और शॉट है भाई, सिक्स है भाई, इसे रोक नहीं सकते तुम।
भाई फुल टॉस गेंद डाल रहा भाई, ऐसे बल्लेबाज के सामने तो फुल टॉस गेंद डालेगा तो छोड़ेंगे तुझे लगता है बॉलर। ओके कोई नहीं, सिक्स पड़ चुका है, बहुत बुरी बात थी इनके लिए। 43 रन भाई, दो मतलब तीन ओवर ही मान लो, दो ओवर क्यों, तीन मान लो ठीक है बस खुश। ये लो भाई एक और है भाई, डॉट होगी भाई क्योंकि अगर जूम करके देखोगे ना हल्की सी बॉल थोड़ी सी, ये देखना अभी देखो भाई जैसा कि आपने देख ही लिया कि हल्की सी बॉल बल्ले से टच होने से रह गई थी, पर कोई नहीं भाई बहुत अच्छे रन अभी हमारे हैं, हमें ज़्यादा डरना नहीं है। ओके भाई ये एक और सूर्य कुमार यादव का भाई, फोर तो नहीं है ना इस बार भी। अरे यार इतना अच्छा शॉट भाई, एक एक उंगल कैसे रह जा रहा भाई, मैं देखूंगा। ये सिक्स है भाई, ये फोर दे दे रहा भाई मेरे को, पता नहीं क्यों मेरे से क्या जलन है इनको, फोर दे दे रहा भाई, सिक्स को फोर क्यों दे रहे हो तुम। कोई नहीं भाई कोई नहीं, ऐसा होता रहता है, पर कोई नहीं इस बार हम अच्छे से खेलेंगे। यस भाई कैच तो नहीं है ना भाई, इसी का डर था भाई, बाउंड्री में बहुत ज़्यादा खेल रहा था, बाउंड्री पर इन्हें फील्डर लगाया था मिड ऑफ पे, और भाई सूर्य कुमार यादव की भाई ने विकेट ले लिया, कैच आउट कर लिया भाई, बहुत अच्छा कैच था, हल्की सी बाउंड्री रह रही थी पर बंदे ने कैच कर लिया भाई। ये देखो कैच देखो इसकी भाई, सूर्य कुमार यादव की भाई कैच आउट हो गया, जैसे कि आपने देखा कितनी प्यारी कैच कर ली भाई ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ने भाई, हमें भी ऐसी कैच करनी है, ऐसे खतरनाक खतरनाक कैच करनी है, इसने तो मतलब ऊपर वाली गेंद को कैच किया पर हमें अच्छी कैच करनी है भाई। इसका क्या नाम था मैं भूल गया भाई, तिलक वर्मा, यस तिलक वर्मा आ चुके हैं बैटिंग पर भाई, ये भी नए बल्लेबाज, अगर ये कुछ करेंगे तो भाई बात बनेगी। बहुत अच्छा भाई ऐसे ही खेलो, बस कैच मत देना भाई, बहुत तगड़े कैचर बैठे हैं वो आराम से कर लेंगे। बहुत अच्छा भाई दो रन निकाल दिया पहली बॉल पे अपने, थोड़ा हाथ बैठने में टाइम लगेगा इन्हें। तिलक वर्मा भाई स्ट्राइक पे हैं अभी, एक बॉल पे दो रन, बहुत अच्छा ऐसे ही खेलेंगे तो भाई कुछ होगा। ओके फिर से यस, इस भाई कैच आउट क्यों लग रहा है मेरे को, बच गया भाई, एक एक जर्री जर्री सी रह रही है, डाई मार दी भाई। यस मेरे को रन नहीं लेना भाई, ओवर थ्रो पे पता ये नहीं होता कि तुम रन ले ही लोगे, आउट भी हो सकते हो, इसलिए ओवर थ्रो पे कम रन ले करो, दूर है तो रन ले लो, पास में मत लेना कभी क्योंकि चाल भी होती कभी कभार इनकी। यस जैसे ये भाई सिक्स या फोर तो जाएगा ही, यस सिक्स पड़ गया भाई। ऑस्ट्रेलिया भाई इतनी ख़राब बॉलिंग कर कैसे करा रही भाई, ये अच्छी बॉलिंग करा रही है, मैं अच्छा खेल रहा हूँ ऐसा ही लग रहा भाई मेरे को। ये देखो भाई क्या भाई, 80-80, 90-90 मीटर का सिक्स मारूंगा मैं तो, तुम क्या खेलोगे। 57 रन भाई, तीन ओवर के अंदर 57 रन चलेगा भाई, बहुत अच्छा है। अभी तो मेरे को और प्रयास करना चाहिए ऐसी, नहीं तो भाई कैच आउट भाई, मेरे को इसी का डर था, उसने भाई कैच कर ली। कोई नहीं तिलक वर्मा चार बॉल पे 10 रन मारते हुए, देखना भाई कैच आउट देखो भाई, मेरे को नहीं चाहिए थी यार ये, फुल टॉस समझ लो भाई, इसने बहुत प्यारी कैच कर ली भाई, आया आराम से कैच कर ली, कोई दिक्कत नहीं उसे भाई। रिंकू सिंह आते हुए भाई, रिंकू सिंह प्लीज़ कुछ करो यार, 57 भाई 58 उनके लिए कुछ नहीं है, 100 मारूंगा ना तो उनके लिए कुछ है भाई, 57 उनके लिए कुछ नहीं है। रिंकू शर्मा आ चुके हैं, तिलक वर्मा के मेरे को हाफ सेंचुरी लगवाना है इस किसी भी हालत में भाई। ओवर भाई ये ही बॉल भाई, नोटिफिकेशन आ गया भाई इसके लिए सॉरी भाई, ये मेरे को नहीं चाहिए था भाई, विकेट थोड़ा सा आगे क्या बड़ा भाई, कीपर ने भाई विकेट ही ले ली। रिंकू शर्मा भाई एक बॉल पे आउट बिना किसी रन बनाए, अबे भाई मेरे को भाई खेलना होगा भाई क्योंकि भाई प्लेयर से यार मेरे बहुत कम हो रहे हैं भाई, मुझे खेलना है, पाँच विकेट गवा चुका हूँ भाई 57 पे ही। ओके ओके भाई ठीक है, इस बॉल फुल टॉस खेलना है मेरे को, यस फुल टॉस ही खेलना था भाई। भाई डबल लो, ट्रिपल लो, ट्रिपल लो भाई, ट्रिपल लो भाई, एक मौका मिला है भाई मेरे को, कैच भाई उसने ड्रॉप कर दी भाई, फुल हाथों में आ गई थी उसके, मुझे लगा कि भाई आती ही कैच आउट, देखो भाई हुआ क्या, अच्छी बॉलिंग थी, मैंने जैसे ही शॉट खेला वही सेम बॉल थी भाई जिसमें मैं कैच आउट हुआ था रिंकू शर्मा से, नहीं तिलक वर्मा से, इसने भाई कैच छोड़ दे भाई, ड्रॉप होगी, कोई नहीं भाई ये ओवर भी जाता हुआ भाई। अब भाई ये लास्ट ओवर है भाई, इस ओवर में मुझे यार रन निकालने हैं किसी भी हालत में,
60 ही रन बने, 5 विकेट गवा दी मैंने इसी बात पे। कोई नहीं भाई, ये ओके ओके यस भाई, कुछ नहीं होगा ये तो भाई। डबल ही ले अच्छा पाऊंगा फिर मैं से, सिंगल। तो सिंगल ही ले पाया, वो भी मैं डबल भी नहीं ले पाया भाई मैं तो। कोई नहीं भाई, मुझे किसी भी हालत में ना अच्छे से खेलना भाई। 5 बॉल है मेरे पे अभी, वेरी इंपॉर्टेंट ज़्यादा गेम डरना दैट नहीं गेट्स है। इन हैंड 5 बॉल एज़ में एक दो लिथो चौके वाज़ छक्के द पड़ जाएंगे ना लैक तो ऑफ बहुत अच्छे सिक्योरिटी। भाई। यही तो मेरे को चाहिए था, सिक्स और दैट्स या विकेट। ऐसे ही अगर लेट्स पड़ेगा स्ट्राइक भाई इन टू हम द आराम से ड्रॉ मैच फॉर जीत जाएंगे, सिक्स। ऑस्ट्रेलिया को हरा के अपना बदला पूरा कर लेंगे भाई। ये बहुत अच्छा सिक्स था भाई, मुझे ऐसे ही मारते रहना है, नहीं तो भाई ये गेम जीत जाएंगे भाई। 90 मीटर का सिक्स है भाई, हल्के लवली में नहीं। टाइमिंग, बॉल हिटिंग द स्वीट चार स्पॉट। बॉल मेरे पे अभी भी है और मुझे 4 बॉल में अगर मैं 4 चौके मारूंगा ना तो अपना काम हो जाएगा भाई। पर मेरे को चौके जरूरी नहीं, यस मेरे को यही तो चाहिए। चौके क्यों मारे जब हमें छक्का मारना आता है। वाओ दैट यस वाज एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी, और सच भाई, स्टेडियम मैग्निफिसेंट हिट फॉर अ सिक्स। स्टेडियम पार तो नहीं गई। हाँ कैच पकड़ो भाई, पकड़ो अब। ओके यस, ये एक और भाई, बहुत अच्छा था, 91 का पड़ा भाई ये तो। लवली टाइमिंग, स्टेट बॉल में है हिटिंग द क्योंकि भाई ये स्वीट थोड़ा स्पॉट। अभी भाई हमारे प्लेयर्स में खुशी नहीं है क्योंकि उन्हें पता है बन जाएंगे रन भाई। पर कोई Tell you नहीं, what, the अभी slow हम पे ball won't be मौका a है bad option और on this हमें pitch. बनाना है रन। यस इसकी बॉल पर भाई मैं देता रहूंगा भाई, मेरे को नहीं पता, बच्चों वाली बॉल तो आ रही Chance है to catch इसकी, it, but nobody इसमें will. खेलना है। That's यस six ओवर runs. ओवर बहुत ज़्यादा सिक्स, इसी का कहने का मतलब यही लगता है मेरे को भाई। Plenty happening out there. चौड़ Fielding चौड़ में captain हमारे needs to कैरेक्टर calm ने his बोल दिया bowlers कि अभी down इधर before the मारूंगा, umpire तो भाई interferes. देखते हैं हम मार पाएंगे भाई। मारना तो चाहिए भाई, बात हो चुकी है, It's a डील डन full हो house चुकी है, तो here and what मारेंगे। an atmosphere we've had for this यस match. मारूंगा तो मैं जरूर, यस मैंने कहा था ना मारूंगा तो मैं जरूर भाई। बॉलर बहुत ज़्यादा चौड़ में That's था, a ये ले six. आगे The स्वाद। power is यस भाई, अब extraordinary. भाई अब इन्हें खुशी हो रही है भाई। ओ भाई And that's चौदह some गेंद है भाई, very well played 50 रन, 50, a solid innings. अपनी भाई हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो गया भाई। भाई हमें इससे मतलब नहीं भाई, हाफ सेंचुरी पूरी हो या ना हो भाई, हमें है जीत से मतलब। तो भाई हमें जीतना है और भाई 90-100 भाई रन बनाने होंगे Last किसी ball भी coming हालत up. में मुझे। ओके भाई अभी तो 85 है। यस एक और सिक्स भाई, सिक्स है क्या भाई, फोर पड़ेगा जितना मुझे पता है। सिक्स भाई, एक इंच आगे थी भाई, सिक्स पड़ गया, ये बहुत अच्छा है भाई हमारे लिए तो। ओके गाइस फर्स्ट इनिंग खत्म हो गया भाई, 91 का टारगेट दे दिया मैंने इन्हें और भाई मुझे इन्हें बनाने नहीं देना भाई किसी भी हालत में। बन गए ना भाई तो बहुत खराब होगा हमारे लिए। टी हेड और मिचेल मार्श भाई, इनकी विकेट मुझे जरूर लेनी है क्योंकि भाई ये जो टी हेड है ना भाई, ये बहुत गंदा प्लेयर है क्योंकि भाई पिछली बार हमारे वर्ल्ड कप में इस बंदे ने There इतने must रन be मारे थे some ना nerves भाई, as the batsman is बहुत set गुस्सा to आता है face इस the पे वर्ल्ड sports कप के ball. अंदर। इसकी विकेट लेनी है मेरे को। यस ओके भाई, ये Good shot सिंगल for है a भाई, single. सिंगल से हमें कोई मतलब नहीं है, पर हमें मतलब है भाई विकेट से। मुझे Oh, he's विकेट thrown it लेनी है wide. टी हेड की या मिचेल मार्श की। भाई टी हेड आ चुके अपने अपने इधर स्ट्राइक पे, इसकी विकेट आ जाए मिचेल मार्श के। भाई ये दोनों अच्छे खेलते हैं, डेविड वार्नर भी है और आपका वो तो भाई बहुत तगड़ा जो इसने खड़े खड़े मार था भाई, पर अपने बॉलर से उसका पंगा नहीं था इसलिए हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। Not a ओ great भाई ball and that फोर रन has भाई, been फोर रन hammered मार into दिए इसने this भाई। shot. इनके लिए बस बॉल कम है, बस अगर ये चौके छक्के ना मारे, बस सिंगल डबल लेते रहेंगे ना तो हम आराम से मैच जीत जाएंगे। ये देखो भाई बॉल मतलब ही नहीं है भाई, हमें विकेट से मतलब है जो मैं लेने की सोच रहा हूँ। अलग अलग तरीके से बॉल करा रहा हूँ कि हाँ एक विकेट तो आए, पर हो ही नहीं थी विकेट, पर भाई मेरे को लेनी है। ओके गाइस मैं नए नए तरीके Such सोच a रहा हूँ कि wonderful विकेट, एक crowd in विकेट to आ जाए भाई watch their बस, favorite players. इसकी मिचेल मार्श की या टी हेड की। यस भाई सिंगल, Turned away सिंगल ही for a बहुत अच्छा भाई। single. डबल नहीं, मैं सोचता Misses हूँ कि भाई ball डबल fielding. नहीं लेने दूंगा They भाई, इसने can't eke डबल out run दिलवा like दिया। this. अगर Fans हल्का should और be आगे चल जाता तो disappointed. 4 ही था फिर तो भाई, पर कोई नहीं भाई, मेरे को जीतना है इस मैच को। बस 7 रन है 3 बॉल पे, हमने जहाँ उतने बना दिए थे एक ओवर के अंदर उसके हिसाब से तो भाई ने बहुत कम बनाए हैं। विकेट की तलाश है मुझे, पर भाई विकेट तो एक भी नहीं आ रही भाई, अभी नहीं आएगी नहीं, थोड़ा धीरे रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा देर टाइम लगेगा मैं बॉलिंग में हाथ बैठाने में, तभी विकेट आएगी भाई अपनी। पर कोई नहीं, विकेट लेंगे हम किसी भी हालत में। ओके ठीक है भाई, अब मुझे कैसी बॉल करानी चाहिए, मैं सोच रहा हूँ ना एच लिख ले और भाई अपनी विकेट आए, पर एच के लिए ना I tell you बैक what, पे सोच रहा uses हूँ, the अगर ये crease बैक को well टच to clear करेगा ना the तो हमारा spinners. कीपर इसे आउट कर सकता है। छेड़ी नहीं भाई इसने तो बॉल को,
मेरे को लगा बॉल को पकड़ लेगा, पर इसने बॉल को नहीं पकड़ा, पर कोई नहीं, हमें भाई प्रयास करते रहना पड़ेगा, हमें विकेट चाहिए भाई, हमें उससे मतलब है, बस चौके छक्के से नहीं, चौके छक्के से ही मतलब है भाई, विकेट भी चाहिए चौके छक्के भी, मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, मेरे को नहीं चाहिए भाई, मैं कुछ और ही कर रहा हूँ, मेरे को बस विकेट चाहिए। ओके साइड चेंज करता हूँ पहले, हाँ आप यहाँ से बॉलिंग कराते हैं भाई, ये वाली बॉल कराते हैं, इससे मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है विकेट आएगी। अरे यार चलो भाई कोई नहीं, बहुत अच्छा भाई, तेरे लिए तो तारीफ करनी पड़ेगी भाई, जैसे तुमने फील्डिंग करी ना भाई, बहुत अच्छी फील्डिंग थी भाई, नहीं तो फोर पड़ जाता, पर कोई नहीं भाई, थैंक यू। ओके थैंक यू की बोलूँ, ओके भाई हवा में उठाया था, पर मेरे को लगा भाई कि एक आध कैच आएगी, पर नहीं आई, फोर और पड़ गया भाई, पर ज़्यादा डरने की बात नहीं है, मुझे चाहिए भाई विकेट, बस किसी भी हालत में विकेट चाहिए। ओके ओके भाई बहुत अच्छा, ठीक है समझ गया, मुझे चाहिए विकेट, बस मैंने अभी मन में भाई ये बैठा ले कि मुझे विकेट चाहिए, तो मुझे विकेट चाहिए भाई, तेज बॉलर हो, बॉलर हाँ तेज बॉलर का एक तो फ़ायदा है एच निकलता है ना, तो जल्दी नहीं हो पाता, तो बहुत अच्छा है, अच्छा भाई बहुत अच्छा है। ओके यस भाई क्या कैच है भाई, अपने पास एक कैच आती हुई भाई, ऑस्ट्रेलिया की एक विकेट आ चुकी भाई अपने हाथों में भाई, विचल मार्क की भाई, मेरे को इसी के भाई विकेट चाहिए थी, और भाई यही विकेट आ गया भाई अपने पास, ये देखो भाई क्या कैच थी भाई, भाई अगर हमारे पास ऐसी विकेट आती रही ना तो भाई हम आराम से मैच जीत जाएंगे भाई, और भाई एक और तगड़ा बल्लेबाज आ चुका भाई, ऐसे स्मिथ पता नहीं क्या नाम होता है, मेरे को याद नहीं है इसका, मैं बोल नहीं पाता, थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा, तो भाई बहुत अच्छा खेल के जाता भाई, ये भी इसकी विकेट भी चाहिए मुझे भाई, बहुत अच्छी भाई, ऐसी फील्डिंग करो भाई तुम भाई, बहुत वेरी नाइस फील्डिंग, ऐसी फील्डिंग करनी भी चाहिए, क्या फील्डिंग थी भाई, नहीं तो चौका जाता ही जाता, कोई नहीं भाई मुझे विकेट चाहिए भाई, विकेट विकेट। ओके अभी मैं थोड़ी स्लो गेंद कराऊंगा, एच का लालच देते हैं, अरे यार एच का लालच देने की सोची थी पर नहीं लिया, कह रहा लालच नहीं करूँगा मैं, पर कोई नहीं भाई विकेट तो मैं लूँगा किसी भी हालत में। ओके एक विकेट आई है भाई अपने पास, इतनी देर के बाद वो भी भाई अच्छे बल्लेबाज की आई है। ओके इसने एक और खेला शॉट पर भाई, बहुत अच्छा ऐसे ही भाई, फोर फोर रोकते रहे भाई, तू बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहा है, तुझे तो इनाम मिलेगा मेरी तरफ से बेस्ट फील्डिंग का भाई, 16 पे एक और हमारे में 95 पे 5 गए थे, विकेट तो हम भाई बहुत कम लेंगे, पर रन भी बनाने देंगे जल्दी, हमें भाई जीतना है बस। ओके सिंगल सिंगल से भाई, ज़्यादा कुछ नहीं होगा भाई हमारा, बस फोर ना पड़े, जैसा भी भाई फोर रुक रहा है, कैच आ रही है ऐसे आए भाई, फोर नहीं पड़ने चाहिए बस, इतना मुझे चाहिए, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी फिर। ओके मैं थोड़ी फास्ट कराऊंगा स्पिन ने, क्योंकि ये यस ओ भाई कैच है क्या, अरे यार मेरे को लगा कैच है, फील्डर ही नहीं है भाई, फोर चले गया, इतना अच्छा खासा फील्डिंग होता कोई फील्डर होता ना भाई, आराम से भाई कैच भाई, कैच तो नहीं पर हाँ भाई एक विकेट आई है भाई, ये हमारे लिए खुशी की बात है। ओके गाइस अब हमारा भाई तीसरा ओवर जो है, तीसरा ओवर जो है स्टार्ट हो चुका है, दो ओवर भाई हमने कैसे भी करके निकाल दिए, और भाई ये तीसरा ओवर जो है ना, इसमें हमें कैसे भी करके निकालना है, और विकेट चाहिए भाई मुझे। ओके ओ भाई ऐसे ही भाई, बहुत बढ़िया रन ही नहीं लिया उस बंदे ने, लेता तो सिंगल आने के चांस 1% थे, रिक्स लेना चाहिए भाई, मैं तो रिक्स लेता ऐसे टाइम पे जब मुझे पता है ओवर कम है और रन ज़्यादा चाहिए तो। यस ओ भाई, अरे भाई रन ही नहीं ले रहा है, मेरे ख्याल से ना चौका छक्का मारने की कोशिश कर रहा है ये, सोच रहा है कि एक बार में ना 4 या 6 निकाल लेगा, पर मैं निकालने नहीं दूंगा, बाहर की साइड निकालूंगा इस गेंद को, एच निकल जाए क्या पता, अरे नहीं एच तो नहीं निकला, पर सिंगल चले, चलो कोई नहीं, सिंगल से हमें कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि दो सिंगल तो इस बंदे ने खुद ही नहीं लिए, एक सिंगल तो गया ही है, बहुत बढ़िया ऐसे हाँ हम बोलेंगे भाई, चिल्लाओ चिल्लाओ, ये वाली स्पिन कराऊंगा भाई मैं, इसका ऑफ कटर, हाँ यस ओ भाई ऑफ कटर पे तो उसने इधर की साइड खेल दिया, मुझे लगा एच निकलेगा भाई, इंडिया पता कभी कभार क्या करता है, 3 पिलर लगा देता भाई एच के लिए, और भाई बॉलर ना ऐसे ही भेजते हैं
जो सिर्फ एच निकालते हैं धड़ाधड़ एच पे विकेट आते भाई अपने पास, और जैसा भाई अपने साथ भी हुआ अभी। यस, अरे यार एक रन और चले गया, एक एक ही जाएगा ना, हाँ एक चले जा, ज़्यादा कुछ नहीं भाई, इतने भाई इतने कम रन है इनके पास अभी, इतने में ना भाई और ज़्यादा रन होते इनके पास पर कम है, पर ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, कम रन है और हमारे जीतने के ज़्यादा चांस हैं। और भाई ये, अरे यार मार दे रहा, पता मैं सोचता हूँ अलग अलग तरीके की बॉल कराने की, पर मार दे रहा है, पर कोई नहीं भाई, इस बंदे ने डाइव मार के फोर को रोक लिया अच्छा खासा, ये हमारे लिए अच्छी बात है। और भाई चैनल पे नए हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। ऑल राइट गाइज, अभी भाई अपना बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुका है, अभी भाई अपनी बॉलिंग जो है ना बहुत अच्छी खासी जा रही है इनके हिसाब से। और भाई ये है फोर्थ ओवर, भाई ये चौथा ओवर चल रहा है, ये भाई अब इनके हारने के चांस ज़्यादा होते जा रहे हैं। तीसरा चल रहा भाई, मैं चौथा ही चल रहा ना भाई, मैं कंफ्यूज हो गया। ओके गाइज, अभी इसने यहाँ पे खेला पर नहीं, अरे यार रन आउट होने के चांस थे पर बच गया, पर कोई नहीं, विकेट तो हम लेंगे भाई, विकेट क्या लेंगे, इतनी देर के बाद तो एक विकेट आई थी, उसके बाद से आई नहीं दी है। ओ भाई ये शॉट इसने खेला है एक रन के लिए, भाई बॉलर को फेंक जिल दी, ओ भाई बहुत अच्छी डाइव, भाई फोर रोक लिया भाई, ये बात है भाई, पर क्या, ओ भाई ओवर थ्रो हो चुका था भाई अभी तो, अगर भाई ये इधर कवर नहीं करता ना आके तो भाई गया रन। ओके गाइज, अभी भाई मेरे को भाई स्विम करानी चाहिए, ओके भाई एक आध विकेट तो आएगी, भाई नहीं आ रही विकेट ही नहीं आ रही, हवा में हल्की सी खेल लेंगे ना भाई, मेरे सारे प्लेयर एच पे निकले हैं, विकेट है क्या, बच गया भाई, हल्का सा बच गया, पर कोई नहीं विकेट तो हम ले लेंगे भाई, बस ऐसे ही निकल जाए। नौ बॉल में भाई, अरे भाई हार गई है 61 रन भाई, कोई नहीं मार पाएगा चाहे तुम कितने भी बोलो, अब तो तुम हारोगे भाई। भाई इनके पास ना ये ओवर है और एक ओवर लास्ट और है बस इसके, भाई अब तो हम जीत गए भाई, अब तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ही दो। यस गाइस, अब भी भाई विकेट तो लूँगा मैं, तब भी एक विकेट लेने की सोचेंगे, एक ही विकेट है, ओके सिंगल लिया भाई इनने, अब तो भाई हम जीतने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया से भाई, खुशी हो रही है भाई, ऑस्ट्रेलिया इतनी अच्छी टीम को हराने वाले हम भाई, क्या मज़ा आ रहा है भाई, क्या कितनी खुशी हो रही है मेरे को भाई। यस ओके भाई, इसने खेला है पर कोई फ़ायदा नहीं है, अब तुम कुछ भी कर लो, अब तुम नहीं जीतने वाले भाई, तुम्हारे चांस ही नहीं है अब तो। ऑल राइट गाइस, ये वाला ओवर भी समाप्त हो चुका है, अगला ओवर आ रहा है, अब ये लास्ट ओवर है इनके लिए, इसमें जो कर पाएंगे ये वही कर पाएंगे। अरदीप सिंह को भेजते हम भाई, अरदीप सिंह एक विकेट तो ले लो भाई, वो पांच विकेट ले लिए थे उनने उतने में ही हमारी, ओ भाई फोर रन, यस बहुत अच्छा शॉट था, पर भाई ये कोई नहीं, उसका हमें कोई मतलब नहीं भाई, अच्छा शॉट तो उनने मारा पर ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि भाई हम जीत चुके हैं इस मैच को, कहाँ बना पाएंगे भाई, बनाएंगे कैसे, छः बॉल पर अगर छः भी मारेंगे ना सारी बॉल तब भी नहीं बनेंगे भाई इनसे। ऑल राइट गाइस, कैच आउट है क्या भाई, मेरे को लगा कैच आउट एक बार को तो यही लगा था। ओके वैसी गेंद कराऊंगा मैं दोबारा, क्या पता इस बार आ जाए, पिछली बार नहीं आई, इस बार आ जाए। यस ओ भाई, इस बार इसने पता है इधर की साइड घुमाया बल्ला, पर कोई नहीं भाई, फील्डर तो वहाँ पे भी मौजूद था, कुछ नहीं हुआ भाई तेरे से, कुछ नहीं हो पाया। और राइट गाइस, अब चिल्लाओ भाई, लाइक सब्सक्राइब करो, चिल्लाओ ए इंडिया इंडिया, भाई जीत चुके भाई इस मैच को, कुछ भी कर लो ऑस्ट्रेलिया तुम नहीं जीत पाओगे, मैं तुम बच्चों वाली गेंद कराऊंगा जो तुम टेस्ट मैच में खेलते हो, ये लो, उसमें भी नहीं भाई मार पा रहे, मेरे फिल्टर अभी भी एक्टिव है, रहने दो एक्टिव, छोड़ो अब तुम नहीं बना पाएंगे ये। ऑल राइट गाइस, भाई नोटिफिकेशन आ गया उसके लिए सॉरी, ओ भाई क्या हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ, बस मार लिया फोर, जीत गए मैच, अरे नहीं जीत पाओगे मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें, फोर रन मार के क्या हुआ, कुछ हुआ, अब कितने एक बॉल लास्ट रह रही है, ये लो ये बॉल लास्ट रह रही है, इसके बाद हार गए तुम, पता नहीं कितने रनों से हारेंगे मेरे को इतना पता नहीं है, सिंगल लिया भाई इसमें भी, इतने जब को इनको पता हारने वाले, कम से कम थोड़े और रन बना लो, कम रनों से हारते,
पर नहीं भाई, हम 48 रनों से भाई फाइनली ऑस्ट्रेलिया से जीत चुके हैं भाई, बहुत खुशी हो रही है। यस भाई फाइनली ऑस्ट्रेलिया को हराया हमने भाई 43 पे भाई, हमने एक विकेट ली, ने 5 विकेट तो अच्छी ली थी। पर तो गाइस इसी बात पे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। टाटा बाय बाय।